जो किसान आंदोलन में 700 से ऊपर जो किसान शहीद हुए हैं भारत में, और किसान की उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला 700 जो किसान शहीद हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य निकलते हैं। और प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो किसानों के जो परिवार बर्बाद हुए हैं इस आंदोलन में, उनको कोई ना कोई मुआवजा, अच्छा मुआवजा दे, और उनके परिवार को नौकरी दे और MSP की गारंटी दे। इसके अलावा जो सरकार किसानों के ऊपर जो मुकदमे दायर किए हैं उन मुकदमों को वापस ले, और हम किसान शहीद किसानों की श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये कैंडल मार्च जो है निकाला। सर बहुत बड़ी बात है, देखिए एक वापसी की बात कह दी है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल सत्र बुला के इसको शायद वापस करना चाहिए। देखिए भाई, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, प्रधानमंत्री है जो एक साल के बाद उसको समझ में आया ये कानून गलत है, इनको वापस लेना चाहिए। कम से कम एक साल तक यदि पहले ये समझ में बात आ जाती तो 700 किसानों को जो है अपनी जान ना गंवानी पड़ती, और जो है उस टाइम वापस ले लेते शुरू में ही, तो कम से कम किसान जो है ये महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी आवाज़ को सुना है, लोगों की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को सुना है। लेकिन एक साल तक सर्दी गर्मी बरसात ये सब कुछ बर्दाश्त किया किसानों ने, अब ये जो आया समय आया इलेक्शन चुनाव का, उस चुनाव के मद्देनज़र ये वापस लिए, चलो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। कम से कम देर से सही लेकिन दुरुस्त तो हो गए, तो इसलिए हम ये कैंडल मार्च, तो अभी कैंडल मार्च निकाल के आप चाहते हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि दें, और सरकार से डिमांड है कि सर उनके जो मुआवजा 1-1 करोड़ कम से कम मुआवजा दे, इनके हर परिवार को एक नौकरी दे, पक्की नौकरी दे, और जो है इनके मुकदमे जो है जो किसानों पर बनाए हुए वो हमारे के दौरान किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरह से बात की गई है कि 1 करोड़ का मुआवजा कम से कम उन शहीद किसानों को दिया जाना चाहिए। सही तो सही